ये है हाजी तालिब होटल और यहाँ से करेंगे हम आज का नाश्ता। शाम में इस टाइम इतनी ठंड हो जाती है कि क्या बताऊँ, और रश भी। सो गाइस, हमने ये वाले रिम और ये वाले होंडा के रिम और इसके अलावा मर्सिडीज़ के रिम और था, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले, ये हमने ले लिए हैं। तो इंशाल्लाह अब वापस जाके आप दिखाता हूँ, शॉपिंग रुक नहीं रही, जो नज़र आता जा रहा हम लेते जा रहे हैं। लग रहा था शॉपिंग रुक रही है लेकिन नहीं, अभी देखते हैं और क्या क्या मिलता है तो हम लेते रहते हैं। ये हम आ गए हैं जान ब्रोस पे और सर खाना बहुत अच्छा है, हमने पहले भी ट्राई किया था, एक बार फिर से हम ट्राई करने लगे हैं। और जो उसका नाम है जान रोस्ट, तो मैं सोच रहा हूँ आज रोस्ट ट्राई करूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है, चलते हैं इसके अंदर और चेक करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने ये रिम सेलेक्ट कर लिया और बहुत सारे रिम और भी खूबसूरत पड़े हुए थे और कुछ हमने लिए भी हैं, टायर लिया है और रिम लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह जो भी स्टॉक इकट्ठा हुआ मैं आपको एक अपनी जो नेक्स्ट वीडियो जो लाहौर पहुंच के बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि हमने कितने रिम सेट लिए हैं, कितने टायर सेट लिए हैं और इसके अलावा हमने क्या क्या लिया, वो सब इंशाल्लाह मैं आपको अब लाहौर जाके ही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी सारा कुछ निकलेगा और बुक हो जाएगा कुछ भी यहाँ पर, यानी कि यहीं पर पेमेंट होती है और उसी टाइम में उनसे ना ये माल पैक करके बुक करा देते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी आपको मैं लाहौर जाके सारी जो चीज़ें हमने ली हैं उसकी मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दिखा दूंगा और प्राइसेस भी बता दूंगा। तो गाइस, हमने कोयटा में फ़र्स्ट टाइम फूड पांडा करवाया, मैं कहा चलें ट्राई करते हैं। जो के पिज़्ज़ा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्मॉल का भी स्मॉल निकला है और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये पड़ा है बर्गर, ये मेरा हाथ है और ये बर्गर है, मैं सर खोलता हूँ, एक मिनट रुके ज़रा, करी खुले तो ये बर्गर पता नहीं इतना बड़ा क्यों है और ये इंतहाई बड़ा बर्गर है और ये है 450 का और ये भी 450 का, आप हिसाब लगा सकते हैं। ये आ गए हैं हम नमक मंडी और यहाँ की बहुत तारीफ सुनी हुई थी, तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा होता है, सिर्फ तारीफ है या खाना भी अच्छा होता है। तो गाइस, नमक मंडी पे हमने बहुत सारी गोश्त की आइटमें खाई हैं और अब हम यहाँ पे आए हैं टेक्सास वन पे और यहाँ पे कुछ चाय वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं क्या सीन है अंदर, चलते हैं। गाने के लिए गाने के लिए ठुकरा
ये हम आ गए हैं गुलशन कढ़ाई हाउस, और यहाँ पे हमारे सामने है मुर्गा देसी असील और दुम्बा कढ़ाई है साथ, और नान और चपाती वगैरह बहुत मज़े की। और ये है शाह वली रेस्टोरेंट, इसकी सेकंड ब्रांच पे हम आए थे क्योंकि जो मेन ब्रांच है वहाँ पे खाना ख़त्म हो गया था, और देखते हैं यहाँ पे खाना है कि नहीं। और ये हम रेस्टोरेंट में एंटर हो गए हैं, और देखें कितने ज़बरदस्त खाने पक रहे हैं। यहाँ की स्पेशलिटी रोश है, और बेसिकली हम वही खाने आए हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम इस तरह रोश के लिए आए हैं, तो देखते हैं कि रोश हमें मिलता है कि नहीं। कि सिटिंग ऊपर भी है और नीचे हॉल में भी है, ठंड बहुत है, तो देखते हैं ऊपर बैठते हैं या नीचे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई वकार भाई ने हमारी दावत की थी अपने घर पे, और बहुत ही मज़े मज़े के हमें खाने खिलाए थे, जिसमें कड़ी, रोश, शामी, चिकन, कीमा और पिज़्ज़ा भी था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये हमारा जहाज़ है और हम क्वेटा एयरपोर्ट पे, और अब हम निकल रहे हैं, इंशाल्लाह बाप से लाहौर मुलाकात होगी। सो गाइस, फाइनली हम इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए हैं, मतलब हम लाहौर आ गए हैं। मेरे दोनों कान बंद हैं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ ठीक आप लोगों को जा रही है कि नहीं जा रही, लेकिन ये टूर ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह आप लोग इन्जॉय करोगे। और इस टूर का और इस व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि क्वेटा जो है वो एक सेफ सिटी है, ठीक है, और टूरिज़म के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। जो हमें डराया जाता है कि नहीं वहाँ पे जाओगे पंजाबियों के साथ ये होता है, मुहाजरों के साथ ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए आप लोग मेरा ब्लॉग देखें, और आप लोग भी टूरिज़्म के लिए जाएं तो बिल्कुल सेफ सिटी है क्वेटा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। कारोबारी हैसियत से, टूरिज़्म की हैसियत से, हर हैसियत से बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत शहर है, तो आप सब भी जाएँ। और ये था व्लॉग क्वेटा का, मैं सेंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।